श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मान लो घर में अगर लक्ष्मी नहीं आ रही किसी कारणवश, कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो, तो महाराज बेल का जो फल होता है उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो। सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार करो। उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो महाराज। उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाएं महाराज, किसी भी पांच प्रदोष या पांच सोमवार या सोमवार की अष्टमी पड़ जाए उस दिन, थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाएं घर से, उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दें। क्या नाम लेना है? कुंद कैश्वर। उसी में से थोड़ी सी भस्म जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने चढ़ाई या बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में चढ़ाई, उसको लेकर आओ और वही वृक्ष माता पार्वती का नाम लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दो और अपनी मनोकामना कर एक लोटा पानी शिव पर समर्पित कर दो, चुटकी भर बस, ज्यादा नहीं, मात्र चुटकी भर। पांच प्रदोष भी पूरे नहीं होंगे और बाबा चाहेगा कि आपका जो लक्ष्मी रुकी हुई है या व्यापार नहीं चल रहा या कार्य नहीं हो रहा, तो बाबा उसको एक प्रदोष दो प्रदोष करोगे, तीसरे प्रदोष में तो बाबा धक्का लगा ही देगा, कैसे ही लगाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं मैं गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय आपके लिए लेकर आता हूं और गुरुजी से सुनकर पूरा उपाय आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश भी करता हूं। इसी क्रम में मैं आज का यह उपाय आपके लिए लेकर आया हूं। आज के उपाय की बात करें उससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर गुरुजी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय से आपको लाभ हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर पूरा जरूर बताएं, जिससे दूसरे लोगों को पता लगे कि सच में गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय से लाभ होता है। तो चलिए आज के उपाय की बात करते हैं। अगर आपके पास धन नहीं रुकता, आप कमाई तो बहुत करते हैं पर पैसा रुकता नहीं है, तो आज का उपाय आपके लिए बहुत ही विशेष है। आपको एक बेलपत्री का फल लेना और उसको फोड़कर फल के अंदर का गुद्दा, अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल लेना है। फिर उस अंदर वाले भाग को आपको अच्छी तरह से सुखा लेना है। दो चार पांच दिन में जब वह गुद्दा अच्छी तरह से सूख जाए तो उसे जलाकर उसकी भस्म तैयार करना है, यानी उसकी राख तैयार कर लेना है। उस राख को किसी कपड़े से छानकर किसी बर्तन के अंदर आपको स्टोर करके रख लेना है। उस राख में से थोड़ी सी राख लेकर आपको माता पार्वती का ध्यान करते हुए बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित करना है। एक बार समर्पित करने के बाद उसी राख को आपको वापस उठा लेना है। वापस उठाकर आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जाकर महादेव के शिवलिंग पर अपने मन की कामना करते हुए कुंद केश्वर महादेव का नाम लेते हुए चढ़ा देना। भस्म को चढ़ाकर आपको एक लोटा महादेव को जल भी समर्पित करना है। यह उपाय आपको पांच सोमवार करना है, या फिर यह उपाय आप पांच प्रदोष या पांच हर महीने की शिवरात्रि को भी कर सकते हैं। सोमवार की अष्टमी को भी आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय से लक्ष्मी आपके पास रुकने लगेगी और धन संपदा की आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी। अंत में आप सबसे यही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में महादेव का एक जयकारा जरूर लगाएं।
अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।